आपने कहीं ना कहीं पर नंबर को शॉर्ट में NO लिखा हुआ जरूर पढ़ा या देखा होगा। आपके मन में ये डाउट भी जरूर आया होगा कि नंबर को शॉर्ट में NO क्यों लिखते हैं, जबकि नंबर का शॉर्ट फॉर्म NU होना चाहिए। नंबर वर्ड में कहीं पर भी O आता ही नहीं है, तो फिर शॉर्ट में N के बाद O क्यों आता है? हम किसी भी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो उसी वर्ड का लेटर यूज़ करके शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। जैसे कि फेसबुक को शॉर्ट में FB लिखते हैं, क्योंकि फेसबुक वर्ड में F और B दोनों लेटर्स आते हैं, इसलिए शॉर्ट में FB लिखा जाता है। लेकिन नंबर के शॉर्ट फॉर्म में N के बाद O कहाँ से आया है? अगर आपका आंसर है न्यूमरिक ऑर्डर, तो ये गलत है। ये वर्ड लैटिन भाषा का एक वर्ड न्यूमेरो से आया है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत सी जर्मनिक लैंग्वेजेस के बेस पे बना है, बहुत से लैंग्वेजेस का यूज़ हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज में। सो न्यूमरो लैटिन भाषा का वर्ड है और इंग्लिश में यूज़ हुआ है। वही न्यूमरो का शॉर्ट फॉर्म NO है, मतलब न्यूमरो से नंबर वर्ड बना, लेकिन न्यूमरो का ही शॉर्ट फॉर्म नंबर के शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया जाता है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर आया होगा। इस तरह स्पेलिंग्स और वर्ड्स के रिलेटेड डाउट क्लियर करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।